नमस्कार मॉर्निंग बॉस सहित अपूर्व प्रथम हेडलाइंस। कोरोना महासंकट समय रे प्रधानमंत्री समीक्षा, मंत्री मानकु दिया गला गुरुदायित्व, निज अंचल लोकों सह जोड़ी होवा को देले परामर्श, समस्या चिन्हटक सह समाधान करने को निर्देश। ओडिशा रे पहुंचला राज्य सरकार किणिथिबा टीका, 18-44 वर्ष लोकों टीकाकरण लागि पहुंचला 1.5 लाख कोवैक्सीन टीका। सोमवार केवल बीएमसी अंचल टीकाकरण। सुंदरगढ़ में कोविड मैनेजमेंट उड़ीला धज्जिया, वेंटिलेटर अभाव महिला मृत्यु अभियोग, गायब होगा पुणी मिलू मृतदेह। एनटीपीसी कोविड केयर सेंटर में चरम अवस्था। सरकारी एवं घर इस्पात शिल्पर मुख्य अधिकारी सहित केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बैठक। स्टील उद्योग द्वारा देश में प्रतिष्ठा होगी 10,000 ऑक्सीजन संयुक्त सज्जा, हॉस्पिटल को सीधासख ऑक्सीजन जोगाइबा को पदक्षेप ने परामर्श। दिन दुई रु सारा ओडिशा रे दुकान रहेबो शटडाउन, राज्य व्यवसायी संघर बड़ निष्पत्ति, सोमवार को मे 15 जाए लागू हेबो नियम। कोरोना संक्रमण को चेक देवा को पदक्षेप, राज्यर सहरांचल जारी रही सप्ताहांत शटडाउन, विभिन्न स्थान रे पुलिस पक्षर होउछि कड़ा चेकिंग और ब्लॉकिंग। महंगारे लज्जा, देढ़ मास धरी दलित नाबालिका गणदुष्कर्म अभियोग, बड़ अभियोग परे जने अभियुक्त गिरफ, पीड़िता बयान रेकर्ड, एवं भी अन्य अभियुक्त को गिरफ करनी पुलिस। मंत्री मानकु दियागला गुरुदायित्व, स्थानीय समस्या दूर करने को देबे गुरुत्व, कोविड मुकाबला नहीं प्रधानमंत्री स्थिति समीक्षा। देश में कोविड मुकाबला नहीं मोदी मंत्रिपरिषद बैठक अनुष्ठित होता, वर्चुअल मोड रे होइथिबा ए बैठक रे विभिन्न विभाग मंत्री जोग देइथिले। बैठक रे कोविड स्थिति बाबद रे करा जाइथिला आलोचना, युद्धकालीन भित्रे प्रस्तुत रहिबा स बैठक रे मंत्री मानकु दिया जाइछि गुरुदायित्व। मोदी को काउंसिल मीट रे मंत्री को गुरुदायित्व, लोकों सहित सीधा जोड़ी होई स्थानीय समस्या समाधान पाई निर्देश, बेड ऑक्सीजन सप्लाई वृद्धि को मध्य गुरुत्व। एपटे नॉनस्टॉप सहायता जारी रखी पूरा विश्व समुदाय। देश में कोविड मुकाबला नहीं प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिपरिषद बैठक आज अनुष्ठित होता, वर्चुअल मोड में होता एक बैठक में विभिन्न विभाग मंत्री माने जोग देते। बैठक में कोविड स्थिति बाबद आलोचना, एथिरे कोरोना स्थिति को शताब्दी बड़ विपत्ति बोली कहु। युद्धकालीन भित्तिरे प्रस्तुत रहिबा सह बैठक में मंत्री मानकु दिया जाइछि गुरुदायित्व, निज अंचल लोकों सह जोगाजोग रहिबाकु दिया जाइछि निर्देश, लोकमानक साहाज्य करिबाकु एवं सेमानक मतामत पाइबाकु मंत्री मानकु कुआ जाइछि। एथिसहित स्थानीय स्तर रे थिबा समस्या गुडी को तुरंत चिन्हट करा जाइ समाधान करिबा उपरे फोकस देइछन्ती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। बैठक में देश में गत 14 मास धरी कोरोना मुकाबला नहीं केन्द्र एवं राज्य सरकार मानक द्वारा करा समस्त प्रयासर समीक्षा करते प्रधानमंत्री। एथसहित बैठक में मेडिकल रे बेड ऑक्सीजन सुविधा, उत्पादन संरक्षण एवं परिवहन रे समस्या समाधान, अत्यावश्यक औषधर उपलब्धता संबंधी समस्या समाधान भली भित्तिभूमि निर्माण दिगरे केन्द्र सरकार उद्यम को समीक्षा कर। सेपटे कोरोना मुकाबला दिगरे काम देछि मोदी को विदेश नीति, महामारी रे भारतर साथ देछंती बंधुराष्ट्र, विदेशर आसी पहुंचिला ऑक्सीजन उपकरण, आयरलैंड रु आज आसी पहुंचिछि 700 यूनिट रो ऑक्सीजन, 365 वेंटिलेटर। अन्यपटे यूरोपियन यूनियन रो सदस्य राष्ट्र रोमानिया भी 80 टी ऑक्सीजन मशीन एवं 75 टी ऑक्सीजन सिलिंडर पठाइछि। ता सहित अमेरिका मध्य कोरोना परिस्थिति रे भारत सहित ठिया होछि, पठाइछि अनेक मेडिकल सरंजाम। दुबई मध्य बंधुतार हाथ बढ़ाई भारत को एवं पठाई 157 वेंटिलेटर, 480 बीपीएपी एवं अन्यान्य स्वास्थ्य सामग्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। राज्य में पहुंचला 1.5 लाख डोज कोवैक्सीन, राज्य सरकार तरफ किणाई 1.5 लाख कोवैक्सीन भुवनेश्वर स्वतंत्र विमान जोगे आसी पहुंची। तृतीय पर्यायर 18-44 वर्ष लोकों टीकाकरण लगे एक टीका पहुंची। सोमवार ठारु केवल बीएमसी अंचल रे हेबो टीकाकरण, आसंता काली मे 1 रे ट्रायल भाबे किछि लोकों को टीका प्रदान करा जिवो। सहरांचल रे शटडाउन को नजर रखी किछि लोकों को टीका दिया जिवो। तो राज्य रे पहुंची 1.5 लाख डोज कोवैक्सीन, राज्य सरकार तरफ किणा जाइथिबा
देढ़ लक्ष कोवैक्सीन भुवनेश्वर स्वतंत्र विमान आसी पहुंची। तृतीय पर्यायर 18-44 वर्ष लोकों टीकाकरण लगे ये टीका आसी पहुंची। सोमवार केवल बीएमसी अंचल टीकाकरण हो मे 1 रे ट्रायल भाव किसी लोक प्रदान करा टीका। सहरांचल सटडाउन को नजर रखि किसी लोक टीका दिजा तो 1.5 लाख डोज कोवैक्सीन टीका वर्तमान आसी पहुंची। राजधानी भुवनेश्वर एक स्वतंत्र विमान जोगे मे 1 रु जहाँ सूचना आसी पहुंची 18-44 वर्ष वयस्क व्यक्ति को टीकाकरण होतीपाई 1.5 लाख टीका आसी पहुंची। कोवैक्सीन टीका सोमवार टीका दिजा बेले आज बीएमसी किसी अंचल ट्रायल भाव टीका दिजा। चित्र होगी भुवनेश्वर विमानबंदर जो कोवैक्सीन टीका आसी पहुंची 1.5 लाख कोवैक्सीन टीका आसी पहुंची। राज्य में तृतीय पर्याय टीकाकरण जहाँ को नहीं राज्यवासी मन में उत्साह देखाई। कोवैक्सीन टीका 1.5 लाख टीका आसी पहुंची राजधानी भुवनेश्वर एक स्वतंत्र विमान जोगे टीकाकरण आरंभ कर तृतीय पर्याय टीकाकरण 18-44 वर्ष वयस्क व्यक्ति जहाँ को नहीं राज्य में उत्कंठा प्रकाश पाई। बीएमसी अंचल में प्रथम टीकाकरण किंतु आज मे 1 रु किसी स्थान में ट्रायल टीकाकरण सूचना आसी पहुंची। दिव्यज्योति महांत प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा अधिक सूचना दिव्य 1.5 लाख कोवैक्सीन टीका आसी पहुंची। कहुच्छे जो सोमवार टीकाकरण आरंभ हो किंतु आज किसी स्थान में ट्रायल टीकाकरण आरंभ हो पाए देखु अपूर्व निश्चित भाव जो अपेक्षा थी जे 18-44 वर्ष टीकाकरण आरंभ हम एवं जो संग्राम चली वर्तमान कोरोना महामारी सह लड़े जो चली 18-44 वर्ष बयस जो व्यक्ति अच्छा विशेषकर युवक वर्गर व्यक्ति मैंने जो अधिक प्रभावित होती मुक्ति देवा अर्थात से दूरे रखा से अपेक्षार अंत घटी। गत काली राति 1.5 लाख कोवैक्सीन टीका आसी पहुंची ओडिशा विमानबंदर में पहुंची रखाई महजूद को रखाई। आज भुवनेश्वर बीएमसी अंचल ट्रायल बेसिस रे किसी जगह व्यवहार करा जीवो किंतु संपूर्ण भाव यह 3 तारीख रु अर्थात सोमवार ठू आरंभ हो टीकाकरण प्रक्रिया। कोवैक्सीन केवल भुवनेश्वर अंचल ही दिजा किंतु जो 18-44 वर्ष संपूर्ण टीकाकरण राज्य में चलने कोविशील्ड टीकार आवश्यक रही है कारण केवल भुवनेश्वर छाड़े अन्य तमाम जगार कोविशील्ड टीका ही दि जाऊँच। पूर्व राज्य सरकार जिते 18-44 वर्ष बयस व्यक्ति टीकाकरण डिक्लार होता प्रधानमंत्री डिक्लार करते परवर्ती समय राज्य सरकार 2 टीका अर्डर देते कोविशील्ड टीका दि जाता 3,77,00,000 और कोवैक्सीन दि जाता 10,33,000। तो ये जो अर्डर दिया भितर केवल कोवैक्सीन टीका ही मिल पार्टी कोविशील्ड एपर्यंत कौन उत्तर आसी ना कोविशील्ड टीका के कोविशील्ड टीका जिते मिले शीघ्र मिले समस्त भल हम और राज्यवासी भल हम जे सब जगार टीकाकरण प्रक्रिया सुरखुरी चलो। आ गोटे कथ आप जानते जेहेतु शनिवार रविवार आम विकेंड शटडाउन होती टीकाकरण प्रक्रिया को आज बंद रखाई। जो 45 वर्ष ऊर्ध व्यक्ति मैंने जो टीकाकरण प्रक्रिया चालू रही जाए बिल्कुल तो 1.5 लाख कोवैक्सीन टीका से पहुंची। सोमवार राज्य में टीकाकरण प्रक्रिया आरंभ हो तृतीय पर्याय टीकाकरण जो थे कि 18-44 वर्ष वयस्क लोकों टीकाकरण आज बीएमसी किसी अंचल कहुचे ट्रायल टीकाकरण आरंभ हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांत प्रतिनिधि जे कि पूरा अपडेट दे। सुंदरगढ़ में कोविड अव्यवस्थार संगीन दृश्य। मृत्युर 5 दिन पर भी रोगी को परिवार को नजणाई टिफिन देउथिले हॉस्पिटल कर्तृपक्ष। खाली सेतिके नुहे एनटीपीसी कोविड केयर सेंटर रे भेंटिलेटर अभाव जे रोगी मृत्यु होइछे। आ सबुठारु संगीन कथा हला कोविड केयर सेंटर रु जे रोगी गायब होइथिबार अभियोग होइछे हेले हॉस्पिटल कर्तृपक्ष कहिछन्ति रोगी मृत्यु होइछे। प्रतिदिन तार पे नास्ता निया होतरा रोटी किसी खावार लगे और 3rd फ्लोर रे जाकर पचारि बोले जना पड़ा जे मोर भाईटा डेट हो गले न 24 तारीख डेट है किंतु आमके किसी खबर नहीं दे। कोविड अव्यवस्थार करुण दृश्य। मृत्युर 5 दिन पर भी रोगी को दि जाऊँ टिफिन। मृत्यु संपर्क में संपर्कों को कहुना कर्तृपक्ष
सुंदरगढ़ एनटीपीसी कोविड केयर सेंटर देखा मिली एभली अभावन दृश्य रोगी मृत्यु घटवार पांच दिन पर भी रोगी संपर्क देफिन ठिक भाव दि जा हस्पिटाल कर्तृपक्ष छानभिन कर जमापड़ा एभली संगीन तथ्य एने थाना अभोग आोगी संपर्क केवल एति नुहे गुरुवार राति भेटिलेटर अभाव जड़े महिला मृत्यु अभोग विड़ंबना महिला शेष कृत्य चौदह घंटू अधिक समय धरी जगि रही झील सेपरी कोविड केयर सेंटर में भर्ती होता जड़े रोगी निखोज होता नहीं अभोग कर निखोज रोगी भाई उन्नीस तारीख मुई तार कोरोना पॉजिटिव बाहर बेले मुई मेडिकल रे एडमिट करी हाँ एनटीपीसी कोविड रे आम प्रतिदिन जाऊँ आज भी निया आज भी टिफिन रखा गला लेकिन आमके किसी कहा नहीं जाए आमके नहीं का नहीं बताले से जिनसटा आम जानी पार किंतु मत डाउट लगुचे से डॉक्टर माने निजे तार किसी पार्ट्स गुराक बाहर करी बिक्री कर दौन ना कि गोटे करुवे मोर मार कोविड होता हॉस्पिटल रे काली एडमिट कर साढ़े एगारटे मैंने धीरे 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 तरह ऑक्सीजन लेवल इनक्रीज ही नहीं है रिफर करना कहल से मैंने कहले जेपी हॉस्पिटल दे मैंने बेड नहीं न भेंटिलेटर वाला हेले आम कहल अलग हॉस्पिटल के नेमु कहीकिना अलग हॉस्पिटल के नेमु कहलु बोले से मैंने कहले तुम्हें नब जो तुम रिक्स नि किंतु भेंटिलेटर वाला हमें आंबुलांस नहीं दू कहले बोले हमें क्या करमु एंता ढंगर अवहेला जो क्या साढ़े आठटे मोर माँ डेथ होगा फोन कलु चार पूरा लगातार फोन करुचु आए रिसीव नहीं करवा बोले राति भी कलु सकाले भी कलु किसी रिसीव नहीं है से मत डाउट लगला सेनु आसली ही नहीं आसली ही नहीं पचारि सेनु कह रो कह सेनु मुई डायरेक्ट घुसली एटा खाइबा आनी एटा नहीं कि गली देखला बेले बेड्रे नहीं न बोले बेड्रे नहीं न तार बेडिंग बदल कि नहीं न बोले पचारि डॉक्टर आज्ञा के सुंदरगढ़ कोविड मुकाबला पाई पांचोटी डाक्तरखाना रही राउरकेलारे चारोटी और सुंदरगढ़ गोटे एनटीपीसी कोविड केयर सेंटर रे एभली समस्या लागी रहिबा अभियोग परे शुक्रवार सुंदरगढ़ विधायिका कुसुम चटे जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को साक्षात कर समस्या संपर्क में अवगत कराई जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते घटनार तदंत कर दायित्व रे अवहेला करथिवा कर्मचारी को विरोध रे कार्यनुष्ठान निया जिवो मु बे घटना सब तो देखु छी सुनु छी भी बहुत दुख लागिला एमतिया माने अमर एई सुंदरगढ़ रे पैसा रो अभाव नै किंतु पैसा थाई थे कि एई प्रकार अव्यवस्था हो छी बहुत दुख लागु छी ता लोकंकर आउ प्रशासक को किमा सेई स्टाफ हॉस्पिटल रो का को विश्वास करि पारु नाहंती निश्चय से तो सेटा एबे बोधे थाना केस होई छी जहां मु सुनु छी तो सेटा ता ऊपर जिवो किंतु सार कहिले से प्रकार हबा कथा नाई किंतु काही केमिति हला आमे सेटा तर्जमा करूछु ए उत्तर मते देइछम किंतु मु जा सुनि छी ताको भीति कर के मो मोर जति के अछन्ति ऑथराइज्ड मेडिकल अफसर आ अन्यन्य कर्मकर्ता माने जो कोविड हॉस्पिटल अछन्ति मो गोटे प्राइमरी फेस इन्क्वायरी पे निर्देश दे छी यदि एटा सत्य होइथिबो त माने यदि कोनोसी यदि तांकर के काम रे यदि कर्तव्य खिलाफ करछन्ति तबे निश्चित भाबे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करबे एठी बड़ प्रश्न मृत्युर पांच दिन पर कहीं परिवार को जणाइले नि हॉस्पिटल कर्तृपक्ष मृतकों परिवार को जणाइबा हॉस्पिटल कर्तृपक्ष दायित्व नुहे कि दायी कर्मचारी विरोध में कार्यानुष्ठान हेब तो कोविड केयर सेंटर रु रोगी गायब हेले किमिति रोगी तदारख दायित्व हॉस्पिटल नुहे कि सुंदरगढ़ सागर पटनायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज सारा राज्य में दिन दुईटर दुकान बंद निष्पत्ति मे तीन रु पंद्रह तारीख पर्यंत दिन दुईटर सबु दुकान बंद हो दुकान बंद करने को राज्य व्यवसायी महासंघ नहीं निष्पत्ति बढ़ुवा कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी एमती निष्पत्ति नहीं महासंघ एने महासंघ राज्य सरकार को अवगत कर सूचना देखते राज्य व्यवसायी महासंघ संपादक सुधाकर पंडा राज्य में कोरोना संक्रमण क्रमगत भाव बढ़ी चलता बेले शुक्रवार सर्वकालीन रेकर्ड भांगी संक्रमण गत 24 घंटे राज्य में 8681 कोरोना संक्रमित चिन्हट होती राज्य में कोरोना संक्रमण में ब्रेक लगे चली सप्ताहांत सटडाउन
ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୋମବାର ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲକିଂ ଆଉ ଚେକିଂକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରବେଶ ପଥଗୁଡ଼ିକରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ କଟକର 25ଟି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 43ଟି ଜାଗାରେ ନାକା ଲଗାଇଛି ପୁଲିସ। ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ମାଇକ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଲିସ ସଚେତନ ବି କରୁଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ 19 ମହାମାରୀ ସହିତ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ଭୂମିକା ଏବଂ ଯୋଗଦାନ ଉପରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଇସ୍ପାତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଦେଶରେ 10,000 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣକୁ ବଢ଼ାଇବା ତଥା ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ଶଯ୍ୟା ସହ ବୃହତ୍ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଦଳିତ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ 4-5 ଜଣ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ନାବାଳିକାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଭରତପୁର ଗାଁର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ୍ୱର ଦଳାଇକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏବେ ବି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ଧାରା 161 ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମୋତେ ଗତକାଲି ଜଣେ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଯାହାକି 14 ବର୍ଷ ତାକୁ ଗଣବଳାତ୍କାର ହୋଇଛି ତାର ନିଜ ଘରେ ଏବଂ ତା ଘର ଆମର ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ। ସେ ଝିଅଟିକୁ ତା ଘରକୁ ତା ମାଆ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତା ମାଆ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ମାଆର ଘରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମୟ ନେଇକି ତା ଝିଅକୁ ଜଣ ଜଣ କରି ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଧମକେଇଥିଲେ ତୁ କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ତା ମାଆ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲା। ଏଭଳି କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ ମାନୁନଥିଲେ। ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତା ଅନେକ ବାର ତା ସହିତ ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ, ସେ ଝିଅଟି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ତା ମାଆ ନ ଶୁଣିଲା ତା ଭଉଣୀକି ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲା। ତା ଭଉଣୀ ଆସିକି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆସିକି ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଆଜି ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଏବଂ ତା ମାଆ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାରୁ ଏମାନେ ଏଭଳି ମାନେ କୁତ୍ସିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ମହାମାରୀ ବେଳେ ମହାନତା, ଅଟୋରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ନିଜ ଅଟୋକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପରିଣତ କରି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଛନ୍ତି ଭୋପାଳର ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଭେଦ ଖାନ। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଅଟୋରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ରହିଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରି ମିଳୁଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ମହାମାରୀ ବେଳେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମହାନତା, ଭୋପାଳର ଜାଭେଦ ଖାନ ନିଜ ଅଟୋକୁ କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ସବୁଠି ହାହାକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅଭାବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲେ ଜାଭେଦ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଜାଭେଦଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ନିଜ ଅଟୋକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହେଲେ ଜାଭେଦଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ଅର୍ଥ, କେମିତି କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା। ଶେଷରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗହଣା ବିକିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଜାଭେଦ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଗଣା ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପେ ଦେଖ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପେ ଦେଖ କି କୋଈ ଆପଣ ବାପକୁ କନ୍ଧେ ପେ ଲେ ଆ ରହା, କୋଈ ଆପଣ ମାଆକୁ କନ୍ଧେ ପେ ଲେ ଆ ରହା, କୋଈ ଠେଲେ ପେ ଲେ ଆ ରହା, କୋଈ ରୋଡ଼ ପେ ପଡ଼ା ହୁଆ ହୈ, ଉସକୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନହିଁ ମିଲ୍ ପା ରହି। ଇସ୍ କାରଣ ମେରେ ପାସ୍ ୟେ ଆଇଡିଆ ହୈ କି କ୍ୟୁଁ ନା ହମ ମାନବତା କେ ଲିଏ ଆଗେ ଆଏ ଔର ହମ ଭି କୁଛ କର ସକତେ ହୈଁ। ତୋ ମେରେ ଆଇଡିଆ ହୈ ତୋ ହମ ଲୋଗୋଁ ନେ କ୍ୟା କରା, ମେନେ କିଆ ରହା ଇସକା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବନା ଦିଏ ଯାଏ। ତୋ ହମନେ ବିବି କା ଲକେଟ ଥା ସୋନେ କା, ଓ ବେଚ କେ ହମନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରା, ସିଲିଣ୍ଡର ଲିଆ। ସିଲିଣ୍ଡର କେ ବାଦ କୁଛ ହମାରେ ନରେଶ ଭାଇ ହୈଁ, ଉନ୍ହୋଁନେ ଘଡ଼ି ଥି
15 20 दिन हेबो मागणा ऑटो एम्बुलेंस आरंभ करिसेंती से वर्तमान सुधा 9 जण गुरुतर रोगी को हॉस्पिटलले छाडी सारिलेनी ऑटो एम्बुलेंस पै आवश्यक होइतै ऑक्सिजन प्रत्येक दिन 3 रु 4 घंटा लंबा लाइन ने छिडा होई ऑक्सिजन आनिथांती जाबे ऑटो एम्बुलेंस रे जीवा पै सेतांको मोबाइल नंबर सोशल मीडिया रे शेयर करिसेंती जहाँ को यही ऑटो एम्बुलेंस आवश्यक से तांको नंबर को फोन करी मागणा रे सेवा पाई परिबे सर गोविंदपुरा फैक्ट्री है वहाँ से हम लोग जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए वहाँ घंटों लाइन में लगना पड़ता है चार चार पाँच पाँच घंटे लगना पड़ता है एक एक दिन छोड़ना पड़ता है सिलेंडर को जब आके भरती है गैस बहुत मारामारी है ऑक्सीजन की तो सर एक सिलेंडर 500 450 500 550 कभी कभी इतना महंगा हो जाता है तो उसको भरवाते हैं लाइन में लगे रहते हैं जब लाइन नंबर आता है तो भरवाते हैं उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरा एम्बुलेंस का काम है एक सिलेंडर आप भर दो उसको सर मेरा सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे ट्विटर पे सब जगह नंबर मेरा चल रहा है और आपकी चैनल के माध्यम से भी नंबर देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों की मदद हो जाए तो वो नंबर आप मेरा नंबर है 7999909494 किसी को भी समस्या होती है आपको एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो मुझे फ़ोन लगाइए भोपाल के अंदर मैं आपके लिए खदमत के लिए आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ कोरोना सेकेंड वेव समय एम्बुलेंस और ऑक्सीजन पर अनेक असुविधार सम्मुखीन होती लोके ए परिस्थले ऑटो ड्राइवर जावेद को ए महान काम बेस प्रशंसनीय ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज समस्त रिचे बुलेटिन के एट्रो कुछ नमस्कार।